लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। कोना के ले भाई मिथिला राज, एकर संकल्प संज्ञान मा मिथिला राज हम संविधान, एकर संकल्प संज्ञान मा मिथिला राज हम संविधान, एकर संकल्प संज्ञान मा मिथिला राज हम संविधान। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशिर कुमार झा हुआ, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति का हूँ। सर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे आप जंतर मंतर पे आए हुए हैं और विशाल धरना प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है, तो किस चीज की मांग को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मुख्य मांग है हमारा पृथक मिथिला राज्य। मिथिला जो सनातनी राज्य है, माँ सीता जिसका जन्म मिथिला में हुआ था, जनक जी राजा थे, ये हजारों साल पुराना राज्य, लेकिन आज़ादी के बाद छोटे छोटे राज्य बने, लेकिन इतना बड़ा मिथिला का भूभाग, अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपना लिपि, लेकिन इस मिथिला क्षेत्र को राज्य नहीं बनाया गया है, जिसके कारण वहाँ गरीबी, कोई उद्योग नहीं। आज़ादी से पहले जो भी उद्योग था, उस उद्योग को भी आज़ादी के बाद बंद कर दिया गया है। वहाँ पलायन की स्थिति यह है कि इस दिल्ली NCR के अंदर में 1.5 करोड़ मैथिल आज रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मिथिला के अंदर खेती छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं है। उस खेती में भी कोसी नदी जो नेपाल से आती है, उसके कारण हर 10-20 साल के बाद भयंकर बाढ़ और तूफान आती है, जिसके कारण हजारों लोग मरते हैं और बेघर होते हैं। आज की स्थिति में वहाँ पे रोजगार का कोई उपाय नहीं है, सब पलायन कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि पृथक मिथिला राज्य बनेगा तो हमारी मैथिली भाषा जो संविधान के 8वें अनुसूची में है, लेकिन उस भाषा में पढ़ाई नहीं कर रही है, वहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी दबाव नहीं डाल रही है, तो हमारी मैथिली भाषा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा होगी। हमारा मिथिलाक्षर लिपि आज हिंदी है, 100 साल पुरानी भाषा है, लेकिन हमारा 1200 साल पुरानी भाषा जिसकी लिपि है आज गर्त में जा रही है, उसका उत्थान होगा, मैथिलों को सम्मान मिलेगा और मिथिला राज्य होने से हमारे नए उद्योग लगेंगे। आज आप विश्वास कर सकते हैं कि 10 करोड़ की मैथिल आबादी है, लेकिन उस आबादी में आज एक एम्स नहीं है, एक IIT नहीं है, एक IIM नहीं है, ये एक उद्योग नया नहीं लग रहा है, पुराने उद्योग सब बंद हो गए हैं। जो आपने कहा कि आप अलग राज्य की आप लोग मांग कर रहे हैं, ये किससे मांग की जा रही है आपको? ये मांग हम भारत सरकार से कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को मेमोरेंडम देंगे इस पृथक मिथिला राज्य के लिए। अगर सर ये आपकी मांग नहीं मानी गई, उसके बाद आप क्या करोगे? ये देखिए, आज जब मैथिली हमारा 2003 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली को संविधान के 8वें अनुसूची में जगह दिया, उसके बाद से हम लोगों ने कहा कि हमको राज्य दो, क्योंकि 1956 ईस्वी में इसीलिए मिथिला को राज्य नहीं बनाया गया था जो मैथिली संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं है। आज हमारी मैथिली 8वें अनुसूची में है, तो आज 15 साल से संसद सत्र के पहले दिन हम लोग धरना देते हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए हमने दिल्ली के अंदर 11 फरवरी को 7 जगह नाकाबंदी और घेराबंदी का ऐलान किया है। हम किसी भी चीज़ को चलने नहीं देंगे, पूरी दिल्ली को हम नाकाबंदी कर देंगे। क्या सर नाकाबंदी करने से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? यदि पूरी नहीं होती है नाकाबंदी से, तो हम उससे अगला स्टेप लेंगे, हम पूरे दिल्ली को बंद करेंगे, पूरा मिथिला क्षेत्र को इसी तरह नाकाबंदी कर देंगे और 8 स्टेट से मिथिला का हम नाता खत्म कर देंगे, सरकार को हम पंगु बना देंगे। इसका 2019 में असर पड़ेगा? 2019 में क्या असर पड़ता है ये तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन इस बड़ी सरकार को सुनाने के लिए
इसकी जरूरत है। अभी हमारे पास आए थे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के गांव के लोग, जो बोलते हैं कि शहीद का दर्जा नहीं मिला है, आप समझ सकते हैं। तो वो भगत सिंह थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बम गिराया था, बोला था हम किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंक रहे हैं, हम इस बारी सरकार को सुनाने के लिए कर रहे हैं। तो हमारी मंशा हिंसा की नहीं है, इस बारी सरकार को जगाने की है। क्या आप भी कोई भगत सिंह जैसा कोई वो करेंगे? हमारे पास बहुत सारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं, जो अपनी जान लगाना चाहते हैं, अपनी बलिदान देना चाहते हैं, कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन हम अभी कोई हिंसक रूप लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे आंदोलन में यदि सरकार हिंसक रूप में आएगी, हम जवाब भी उसी हिसाब से देंगे। प्रोफेसर अमरेंद्र झा, पृथक मिथिला राज्य का मांग है, भारत सरकार से। अगर आपके राज्य की मांग नहीं मानी जाती, तो जैसे अभी उसके बाद कोई कार्रवाई है हमारी 11 फरवरी को हम 7 जगह पर नाकेबंदी करने जा रहे हैं, पूरे दिल्ली के रिंग रोड का, जिसमें बुराड़ी चौक, राजघाट, आईटीओ, आश्रम, पंजाबी बाग, रजौड़ी गार्डन, आजादपुर, हम 2 घंटे के लिए पूरा नाकाबंदी करेंगे। और आने वाले दिनों में यही कार्यक्रम संपूर्ण 22 जिला जो बिहार का है और 6 जिला जो झारखंड का है, उसमें भी ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो सर, जैसे आपने कहा कि आप नाकाबंदी करेंगे, तो ये मांगे आप राज्य की मांग कितने दिन से लगे हुए हैं? ये मांग 10 को पुरानी है। उसके लिए डॉक्टर लक्ष्मण झा जी, स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मण झा जी, मिथिला के श्री बाबू जानकी नंदन सिंह, कॉमरेड भोगेंद्र झा से लेकर के, और अभी हमारे डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये दशकों से ये संघर्ष चल रहा है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू झा हुआ और मैं मधुबनी जिला रहुआ संग्राम गांव से बिलोंग करती हूँ। मैडम, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो जंतर मंतर पे आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है मिथिला राज्य के लिए जी, तो ये कितने दिन से आपको मांग कर रही थी? 15 साल हो गया लगभग ये धरना डालते हुए, कि जो भारत सरकार से यही हम लोग निवेदन कर रहे हैं, जब असलम सूची में हमारा अपन मैथिली भाषा आ गया है तो हमें मिथिला राज्य मिलना चाहिए। इसलिए भी मिलना चाहिए कि आज जो अपने मिथिला निवासी हैं, चाहे वो एम्स को लेके बात हो, चाहे एजुकेशन को लेके बात हो, उस एजुकेशन को लेने के लिए जो वहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पलायन करना पड़ता है, दूसरे देश में जाके उनको पढ़ाई लिखाई करके वहीं के निवासी भी बनना पड़ता है, तो क्यों ना वहीं पर पढ़ाई का साधन बनाया जाए, वहीं पर बिजनेस का साधन बनाया जाए, कि जो स्टूडेंट वो बाहर निकलते हैं उनको सब कुछ वहीं पे दिया जाए, जो मिथिला में रह सके और मिथिलावासी ही कहला सके। अच्छा मैडम, अगर ये मांगे नहीं सुनते, जैसे आपने बताया 10-15 साल से आप ये मांग कर रहे हैं अपने राज्य की, अगर अभी नहीं सुनी गई तो उसके बाद आप आगे का कदम क्या रहेगा? हम तो यही कहेंगे भारत सरकार से कि हमारा कदम जारी रहेगा, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि 11 फरवरी को दिल्ली में जगह जगह बंद किया जाएगा, जगह जगह सड़कों को बंद किया जाएगा, काम धंधे को रोका जाएगा, तो भारत सरकार को एक जागरूक बनाने के लिए हम सब ये कर रहे हैं, और आगे भी देखा जाए कि हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार ऐसा करने से आपको लग रहा है कि आपका राज्य अलग हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहेंगे और एक न एक दिन भारत सरकार को हम सब मिथिलावासी की बात माननी पड़ेगी और मिथिला राज्य देना पड़ेगा। देखिए, चुनाव के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सभी बुद्धिजीवी हैं, 2019 में हो सकता है कि फर्क पड़ सकता है इस बात से लेके। Like, share and subscribe this channel. Please press the bell icon.